मुझे ये बताइए कि ये पहली दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब जो है ख़वातीन के हवाले से इस तरह की नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे, आपकी पार्टी का कोई पैमाना है कि जी वैसे तो ख़वातीन आगे आगे, जेल में भी ख़वातीन, फिर झंडे हिलाने में भी ख़वातीन आगे आगे, मगर जब गाली देनी होती तो सबसे पहले ख़वातीन को पड़ती है, ये इसकी क्या वजह है? जी देखिए, सलमा ने जो बात की मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आपने दोबारा खातून कार्ड प्ले करना, मैं जवाब नहीं दूंगा। खातून कार्ड तो आपने प्ले किया, मैं बोलना नहीं चाहता, ये मैं चाहता हूं आप कहते हैं खातून ना कहते देनी मरीज बदबूदार गंद घटिया आदमी इधर देखा है नौकर बाज। अच्छा मैं तो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कह रही हूं, आप जो नवाज थे मरियम नवाज साहब के बारे में बता रही हूं, ना बदतमीज है ना बेअदब है वो जिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बल किरदार शख्स कीड़ों का बाप। चलो आगे उनको आवाज भी सही नहीं आ रही, सर मैं इसलिए कह रही हूँ आप अपनी बात करें, ये आवाज इतना सही नहीं आएगी ना पिक्चर आएगी। ये देखें ये मरियम नवाज की तकरीर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है करें। अच्छा मगर मैं इस वक्त आपको मरियम नवाज का नहीं पूछ रही मेरे भाई, मैं आपके लीडर अली अमीन गंडापुर का पूछ रही हूँ। ये सुन लेना, ये मरियम नवाज क्या कह रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही, बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं लोग? उनको मैं सलमा भट्ट साहिबा से पूछूंगी ना, बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं ये लोग? रेस टू द गटर है कि क्योंकि उन्होंने गंदा कहा था तो हम डबल गंदा। अभी आपने सुना, सिवाय उन्होंने ये के जो लिफाफी जर्नलिस्ट हैं जो पैसे लेते, लिफाफे का मतलब ये कि मैं आपको पैसे दूं और मैं आपसे वो जर्नलिस्ट नहीं, सर आप मुझे इसका जवाब दें जो उन्होंने कहा है कि मैं देखें मीडिया के हवाले से नोट दिखाओ मेरा मूड बनेगा, इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या ये लफ्ज ठीक थे, एक्सेप्टेबल हैं पाकिस्तान तरीके से? अगर मैं बड़ा फरोख्त हूं तो आप मुझे पैसे देंगे तो मैं वैसे ही जर्नलिज्म करूंगा जैसे आप मुझसे करना चाहे, तो क्या इस मीडिया में प्लान इंटरव्यूज नहीं हुए? क्या ये लव्स आप एक्सेप्ट करते हैं? क्या एक सियासतदान को, नेशनल सतह के सियासतदान को ये लव्स इस्तेमाल करने चाहिए, यस और नो? जी देखिए, आप अगर अली अमीन की पूरी तकरीर छोड़ के जो उन्होंने बुनियादी बातें की, आप एक पॉइंट के ऊपर अड़ गई है, क्या नहीं हुए प्लान इंटरव्यूज? वो वीडियोस किसने लीक की थी जो वो जून? इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है, ये कहनी चाहिए कि नोट जो भी मेरा मूड बने। जी जब मैं आपको पैसे दे के आपसे प्लान इंटरव्यूज कराऊंगा तो इसके ऊपर क्या कहें? तो फिर आप जो मर्जी के, राइट? कोई क्राइटेरिया नहीं हुए, नहीं हुए, मैं बुखारी ने नहीं किया तो उनको तो इंटरव्यू दिया है आपने, किन को? अली अमीन गंडापुर साहब ने तो देंगे इंटरव्यू, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, तो फिर हम अपना मौका पेश करेंगे, हम उनके सामने अपना मौका पेश करेंगे, क्या नहीं कहते?